वेलकम ऑल स्टूडेंट्स, वेलकम टू ग्रैंड व्यू डिजिटल क्लासेस। आज हम लोग नए चैप्टर की शुरुआत कर रहे हैं, द स्केलेटन एंड मस्कुलर सिस्टम पार्ट वन। आप लोग अभी सैनिक स्कूल क्लास सिक्स के सिलेबस कोर्स के अंदर हैं। यहाँ हम लोग अभी पहले पार्ट को डील करेंगे, फर्दर और भी पार्ट्स आने वाले हैं, तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले दे रखा है यहाँ द स्केलेटल सिस्टम। द स्केलेटल सिस्टम में द हार्ड पार्ट प्रेजेंट इन द ह्यूमन बॉडी इज कॉल्ड बोन्स। जो हमारे बॉडी का पार्ट है, हार्ड पार्ट है, जिस पे हम लोग खड़े हैं, जिसके वजह से हम लोग चलते हैं फिरते हैं, उसको हम लोग कहते हैं बोन्स। जब हम अपने हाथ को टच करते हैं तो अपर ऊपर में हमारा स्किन है, स्किन के अंदर हमें मसल्स फील होता है और मसल्स के अंदर हमें एक हार्ड पार्ट फील होता है जिसको हम लोग बोन्स कहते हैं, हड्डी कहते हैं। ठीक है, अब यहां देखिए, एंड द फ्रेमवर्क ऑफ द बोन इनसाइड आवर बॉडी इज कॉल्ड स्केलेटल सिस्टम। और उसी हड्डी का ढांचा, फ्रेमवर्क कहते हैं हम लोग ढांचा को, उस ढांचे को हम लोग कहते हैं स्केलेटल सिस्टम। तो उस ढांचे का काम क्या है वो हम लोग जानेंगे, और ढांचा किस तरह से वर्क करता है, क्या होता है, कौन कौन से बोन से मिलकर बनता है, ये सब हम लोग इस चैप्टर में सीखेंगे। द शेप ऑफ द बॉडी ऑफ ईच एनिमल डिपेंड्स ऑन द शेप ऑफ द स्केलेटन। यहां पे देखिए, अलग अलग स्केलेटन दे रखा हुआ है, ये फुल स्केलेटन है। यहां पे देखिए, ये जो बोन है, ये हो गया हमारा बोन, और इसके ऊपर ये हो गया हमारा मसल्स। ठीक है, तो अंदर वाला जो ये हार्ड पार्ट होता है, इसके हम लोग कहते हैं बोन्स, और ये बोन्स का अलग अलग पूरा स्ट्रक्चर बना हुआ है, इसे हम लोग कहते हैं स्केलेटल सिस्टम। ये हमारा फुल क्या है, स्केलेटल सिस्टम है, स्केलेटल सिस्टम, जिसको हम लोग स्केलेटन बोलते हैं, कंकाल बोलते हैं। तो द शेप ऑफ द बॉडी ऑफ ईच एनिमल, जो बॉडी का हमारा शेप है, हमारा नहीं, किसी भी एनिमल के बॉडी का शेप है, वो किस पे डिपेंड करेगा, तो वो इसी ढांचे पे डिपेंड करता है कि वो किस तरह का कौन सा शेप लेगा। ठीक है, एन एडल्ट ह्यूमन बॉडी हैज 206 बोन्स, व्हाइल न्यू बॉर्न बेबीज हैव अबाउट 300 बोन्स। तो जो एडल्ट ह्यूमन बॉडी होता है, एडल्ट ह्यूमन बॉडी के पास कितना हड्डी होता है, 206 हड्डियां होता है, बट जो न्यू बॉर्न बेबीज होता है उसके पास 300 होता है। तो बाकी जाते कहां है, जाते कहीं नहीं है, कि जो हड्डियां होते हैं वो आपस में जुड़ती चली जाती हैं। जब न्यू बॉर्न बेबी होता है तो हड्डियां काफी अलग अलग पार्ट्स में होती हैं, और जैसे जैसे बॉडी हमारा डेवलप करता है, जैसे जैसे बॉडी हमारा ग्रो करता है, वो आपस में जुड़ते चले जाती हैं, और फाइनली जाके रुकती कहां है, जब हमारे बॉडी में 206 बोन्स बचते हैं। ठीक है, तो बोन्स आर हार्ड ऑन आउटर साइड बट सॉफ्ट फ्रॉम इनसाइड। ठीक है, कह रहा है कि बोन जो है हमारा, यहां जो बोन है ये आउटर से हार्ड होता है बट इनसाइड सॉफ्ट होता है। इनसाइड कहने का मतलब है बोन के अंदर जो हॉलो स्ट्रक्चर होता है वो सॉफ्ट होता है। क्यों होता है सॉफ्ट, वो देखेंगे अभी। द लॉन्ग बोन्स ऑफ द बॉडी कंटेन्स सॉफ्ट स्पॉन्जी टिश्यू कॉल्ड द बोन मैरो। क्योंकि उसके अंदर जो भी लॉन्ग बोन्स होते हैं, शॉर्ट बोन्स नहीं, जो भी लॉन्ग बोन्स होते हैं, जैसे ये हैंड का हो गया, लेग का हो गया, ठीक है, इस सब के अंदर क्या होगा, सॉफ्ट स्पॉन्जी टिश्यू होता है, अंदर से हल्का हॉलो होता है और उसके अंदर सॉफ्ट स्पॉन्जी टिश्यू होता है, जिसको हम लोग कहते हैं बोन मैरो। तो ये एक यहां पे आपका सवाल बन सकता है कि बोन मैरो कहां प्रेजेंट हो सकता है, ऐसे दो तीन सवाल बनेगा, उसको ध्यान रखना है, कितने बड़े बोन्स प्रेजेंट होते हैं, बोन मैरो कहां प्रेजेंट होता है, बोन मैरो किस टाइप का स्ट्रक्चर होता है, ये सब। ठीक है, अब आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं। द स्केलेटल सिस्टम में फंक्शन क्या है स्केलेटल सिस्टम का, तो स्केलेटल सिस्टम का फंक्शन आप सभी लोग को मालूम है, इट सपोर्ट्स द बॉडी। पहला फंक्शन हो गया हमारा, ये सपोर्ट्स करता है बॉडी को, जो हमारा बॉडी है, जो हमारा बॉडी स्ट्रक्चर है, जिसपे हम लोग खड़े हैं, उसको ये सपोर्ट करता है, मतलब सहारा देता है। दूसरा हो गया हमारा, इट गिव शेप टू द बॉडी। शेप के बारे में हमने देखा कि अलग अलग एनिमल्स का शेप जो है वो डिपेंड किस पे करेगा, तो किस टाइप का उसका स्केलेटन है, इस पे। तो इट गिव शेप टू द बॉडी, शेप अगर हमारा बेसिक फ्रेमवर्क, इसको हम लोग क्या कहते हैं, फ्रेमवर्क, अगर हमारा फ्रेमवर्क सही होगा तो हमारा क्या होगा, बॉडी का शेप भी अच्छा आएगा, अगर हमारा फ्रेमवर्क सही नहीं होगा तो बॉडी का शेप भी सही नहीं आएगा। तीसरा है हमारा, इट प्रोटेक्ट्स द इंटरनल ऑर्गन ऑफ द बॉडी। हमारे बॉडी में काफी इंटरनल ऑर्गन्स भी प्रेजेंट है, ऊपर से हमारा मस्कुलर सिस्टम है और अंदर से सॉफ्ट मसल्स का जो है ऑर्गन्स बना हुआ है। तो इंटरनल ऑर्गन्स में आएगा क्या क्या, तो यहां पे हमारा हार्ट हो गया, लंग हो गया, ठीक है, ब्रेन हो गया, ये सब हमारे इंटरनल ऑर्गन्स है, किडनी हो गया, इन सबको प्रोटेक्ट करने का काम कौन करता है, इन सबको प्रोटेक्ट करने का काम हमारा स्केलेटल सिस्टम ही करता है। इसके बारे में और हम लोग आगे जानेंगे कि कौन सा स्केलेटल पार्ट किस ऑर्गन को प्रोटेक्ट करता है, जब हम लोग एक एक करके उस पार्ट को डील करेंगे। नेक्स्ट है हमारा, इट हेल्प्स द बॉडी इन मूवमेंट। तो इट हेल्प्स द बॉडी इन मूवमेंट, मूवमेंट कहने का मतलब जब हम एक पोजीशन से अपने दूसरे पोजीशन चेंज करते हैं उसमें ये मदद करता है, हेल्प करता है। जब हम चलते हैं, जब हम दौड़ते हैं, जब हम कहीं भी जाते आते हैं तो उसमें ये हेल्प करता है, क्योंकि अगर हमारा फ्रेमवर्क मजबूत नहीं होगा हमारा मूवमेंट भी रुक जाएगा, हम चल नहीं पाएंगे। ठीक है, तो ये सब था हमारा फंक्शन। इस फंक्शन को याद रखना है हमेशा,
फंक्शन से कभी भी सवाल पूछ सकता है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे हम लोग चलते हैं। अब हम लोग आते हैं पार्ट्स ऑफ स्केलेटल सिस्टम में। बारी बारी से हम लोग एक एक करके पार्ट्स ऑफ स्केलेटल सिस्टम को डील करेंगे कि किस पार्ट में कितने बोन्स होते हैं, किस तरह से वो वर्क करता है और किस तरह से वो प्रोटेक्ट करता है। तो सबसे पहले सबसे ऊपर से शुरुआत करते हैं स्कल से। स्कल मतलब जिसको हम लोग हिंदी में खोपड़ी बोलते हैं। तो स्कल में देखिए, स्कल इज मेड अप ऑफ 22 डिफरेंट बोन्स। स्कल कोई एक बोन नहीं है, स्कल अलग अलग 22 बोन से मिलकर बना हुआ है। अभी हम लोगों ने क्या कहा कि बोन्स अलग है, जो हार्ड पार्ट है वो बोन्स है, और हार्ड पार्ट को जब एक अरेंजमेंट दिया जाता है तो उसको हम लोग बोलते हैं स्केलेटल सिस्टम। उसी स्केलेटल सिस्टम का ये एक पार्ट है स्कल। इसमें भी क्या है, बोन्स का अरेंजमेंट है। कितने बोन्स का, तो 22। ठीक है, इसको याद रखना है कि डिफरेंट बोन से मिलकर हमारा स्कल बना हुआ है। ये हम आपका स्कल, स्कल का इमेज यहां पे दे रखा हुआ है। तो इसमें देखिए बोल रहा है कि द अपर पार्ट ऑफ द स्कल इज मेड अप ऑफ फ्लैट एंड वेरी हार्ड बोन टू प्रोटेक्ट द ब्रेन। जो अपर पार्ट है, ये हो गया हमारा अपर पार्ट। ये क्या है, अपर पार्ट। ये काफी एक हार्ड बोन से मिलकर बना हुआ है। क्यों, क्योंकि इसके अंदर सबसे डेलिकेट ऑर्गन होता है हमारे बॉडी का, जिसको हम लोग बोलते हैं ब्रेन। ब्रेन कहां प्रेजेंट होता है, ये देखिए यहां पे दे रखा हुआ है। ठीक है, ये जो ब्रेन है हमारा, जिसको हम लोग दिमाग भी बोलते हैं, ये दिमाग है, ये कहां प्रेजेंट है, हमारे इस खोपड़ी के अंदर। ठीक है, ये इसके अंदर, और इसको प्रोटेक्ट कर रहा है स्कल हमारा। प्रोटेक्शन काफी जरूरी है, इसलिए सबसे हार्ड जो होता है हमारा स्कल होता है। ऑल द बोन्स आर फिक्स्ड एंड कैन नॉट मूव एक्सेप्ट द लोअर जॉ विच हेल्प अस टू ईट एंड टॉक। तो अब देखिए यहां पे अलग अलग पार्ट में, जैसे ये यहां से अलग स्ट्रक्चर है, ये अलग पार्ट हो गया, ये अलग पार्ट हो गया, ये अलग पार्ट हो गया। फेशियल में जब हम आएंगे तो फेशियल का अलग स्ट्रक्चर होगा, यहां पे ये अलग पार्ट हो जाएगा। बट इस सब में है क्या कि ये सारे फिक्स्ड हैं। अपर, ये अपर जॉइंट्स जो भी है वो सारे फिक्स्ड हैं। अपर बोन्स आपस में फिक्स्ड हैं, वो मूव नहीं करते, मूवमेंट नहीं करते। मूवमेंट कौन करेगा, बस एक, ये हमारा लोअर जॉ, लोअर जॉ, ये बस मूव करेगा। क्यों, किस डायरेक्शन में मूव करेगा, डाउनवर्ड एंड अपवर्ड। ठीक है, डाउनवर्ड एंड अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करता है, जिससे हमें बोलने में, जब हम बोलते हैं तो भी हमारा लोअर जॉ मूव करता है, जब हम खाते हैं तो भी हमारा लोअर जॉ मूव करता है। अपर जॉ जो है हमारा, वो हमारे फिक्स्ड रहता है। अपर जॉ मतलब जो अपर टीथ का जो है, जो यहां पे देखिए चीक बोन या नोज बोन से कनेक्टेड है, वो हमारा क्या होता है, फिक्स्ड होता है स्कल में, वो मूवमेंट नहीं करता है। कभी घर में ट्राई करके देखिएगा, यहां पे हाथ रख के देखिएगा, तो जब बोलिएगा तो नीचे वाला जॉ मूव करेगा। ठीक है, जब खाइएगा तो सिर्फ नीचे वाला करेगा, ऊपर वाला क्या होगा, फिक्स्ड रहेगा, ऊपर वाला मूव नहीं करेगा। नेक्स्ट है हमारा द अदर पार्ट ऑफ द स्कल प्रोटेक्ट्स द आईज, नोज, टंग एंड इंटरनल ऑर्गन्स। एक और हमारा डेलिकेट ऑर्गन है आई, जो हमारे इस आई सॉकेट में प्रेजेंट होता है, इसको हम लोग बोलते हैं आई सॉकेट। ठीक है, ये इस आई सॉकेट में हमारा आई प्रेजेंट होता है। आई काफी एक डेलिकेट नाजुक ऑर्गन है। और बाकी जो है, नोज हो गया, टंग हो गया, नोज भी हमारा इंटरनली क्या होता है, काफी सॉफ्ट होता है। टंग हो गया हमारे जॉ के अंदर होता है। तो ये सारा प्रोटेक्शन का काम कौन करता है, स्कल करता है। तो स्कल के बारे में आप सभी लोगों ने जान लिया कि स्कल सबसे पहले बना कितने पार्ट्स में है, 22 डिफरेंट बोन से मिलकर बना हुआ है। अपर पार्ट किसे क्या होता है, काफी हार्ड होता है, और अपर पार्ट जो होता है स्कल का, वो फिक्स्ड होता है। मूवमेंट कौन करेगा, तो सिर्फ लोअर पार्ट। ऑल द बोन्स आर फिक्स्ड, कैन नॉट मूव एक्सेप्ट द लोअर जॉ, सिर्फ लोअर जॉ मूव करेगा, जिसे हमें बोलने में, खाने में मदद मिलती है। और द अदर पार्ट ऑफ द स्कल्स प्रोटेक्ट द आईज, नोज, टंग्स एंड इंटरनल ईयर। बाकी जो अदर पार्ट्स हैं वो आईज, नोज और टंग को प्रोटेक्ट करते हैं। तो ये था आपका पहला स्कल के बारे में, पार्ट्स ऑफ स्केलेटल के बाद का पहला। अब जो नेक्स्ट है हमारा रिबकेज हो गया, बैकबोन हो गया, लिम्स हो गया, इसको हम लोग सेकेंड पार्ट में डील करेंगे। तब तक आप लोग इसको अच्छे से समझिए कि हमारा स्केलेटल सिस्टम क्या है, स्केलेटल सिस्टम का फंक्शन क्या है, और स्केलेटल सिस्टम में पार्ट में जो स्कल हमने देखा है अभी, स्कल क्या है। ठीक है, तो अब हम लोग यहीं पे वीडियो को एंड करते हैं, नेक्स्ट पार्ट में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए घर बैठे अपनी पढ़ाई को जारी रखिए, अपनी तैयारी कंटिन्यू रखिए।